नमस्कार दोस्तों, इस स्टूडियो आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड, आज के जो ये वीडियो होने वाला काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ ह्यूम के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत मजा आएगा। अगर आप ISL का फैन हो या फिर पुणे सिटी एटी के नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का फैन हो तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं, ये जो प्लेयर ह्यूम एक बहुत अच्छा प्लेयर है जो कि स्ट्राइकर है, लेकिन उनका जो एज है 35, यानी कि फुटबॉल के लिए परफेक्ट बॉल भी सकता है या फिर नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि एज थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है। और ऐसे में अगर बात करें, इससे पहले जो खेल दिखाया ATK में काफ़ी अच्छा खेल दिखाया, उसी के साथ साथ अगर बात करें केरला ब्लास्टर में भी काफ़ी अच्छा खेल दिखाया, और लास्ट टाइम अगर बात करें पुणे सिटी में उतना अच्छा खेल नहीं दिखे पाया। तो इसी कारण से मुझे लगता है आगे जाके 2019-20 सीजन 6 में पुणे सिटी में नहीं रहने वाला, कन्फर्म हो चुका है पुणे सिटी में आगे जाके 2019-20 सीजन 6 में ह्यूम नहीं खेलने वाला है। लेकिन अगर देखा जाए, ये जो प्लेयर है ATK में इससे पहले काफ़ी अच्छा खेल दिखाया, क्या फिर से एक बार ATK में देखा जाएगा? तो फिर अभी अगर देखा जाए ATK में खेलने की चांसेस थोड़ा बहुत जो बन रहा है, लेकिन अगर बात करें केरला ब्लास्टर की चांसेस बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि केरला ब्लास्टर के साथ अच्छे अच्छे प्लेयर तो है ही। उसी के साथ साथ अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC में, तो फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को स्ट्राइकर की काफ़ी जरूरत तो है, लेकिन लास्ट टाइम जो खेल दिखे है पुणे सिटी में, मुझे नहीं लगता कि ह्यूम को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC साइन करेगा। अगर ह्यूम खेले ISL में तो ATK में खेलने की थोड़ी बहुत चांसेस है। तो फिर ये तो कन्फर्म हो चुका है पुणे सिटी में ह्यूम नहीं खेलने वाला है, लेकिन अभी हमें कन्फर्मेशन चाहिए कि आगे जाके 2019-20 सीजन 6 में कौन सी टीमों के साथ खेलेगा, क्या खेलेगा ATK में, क्या खेलेगा केरला ब्लास्टर में, क्या और किसी टीम में खेलेगा। जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आ जाए तो वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक लेटेस्ट फ्रेश वीडियो में।